जानिए बुर्जे दिल्लू के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो अफराद जिन्हें उनकी तारीख पैदाइश के बारे में नहीं मालूम, वो अपने नाम के पहले हर्फ के मुताबिक अपने बारे में मालूमात ले सकते हैं। और बुर्जे दिल्लू के अफराद ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। मलबूसात और वज़ाकत के बारे में इनका रवैया अमूमन लापरवाही का मजहर होता है। ये लोग मामूली किस्म के सैंडल पहने या उम्दा किस्म के नफीस लिबास ज़ेबतन करें या मामूली कपड़े, इन्हें इस बात का कतई एहसास नहीं होता कि कौन सी तकरीब के लिए किस किस्म का लिबास या जूते मौजू रहेंगे। बाज़ औक़ात ये अफराद घर में नंगे पैर फिरने में सुकून महसूस करते हैं, और अगर कोई इन पर हंसे तो ये जवाबन हंसकर टाल जाते हैं। लेकिन मलबूसात में इतनी लापरवाही के बावजूद ये जदीदियत के कायल होते हैं, और ये लोग हर वक्त मुस्तकबिल के ताने बाने बुनते रहते हैं, मुस्तकबिल में झांकते रहते हैं, गैर मामूली ज़हीन होते हैं और ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इनकी दोस्ती खुलूस पर मबनी होती है। चुपकू किस्म के अफराद में इनका शुमार नहीं किया जा सकता है, और ये ना तो किसी पर कब्ज़ा जमा कर अपनी इजारादारी कायम करते हैं और ना ही रश्क व हसद का जज्बा होता है। ये ऐसी दोस्ती के कायल होते हैं जिसमें आदमी किसी कैदोबंद वाली कैफियत महसूस ना करे, और ये धोखेबाजी और बददियानती को सिरे से बर्दाश्त नहीं करते, और ना ही कोई शख्स इन्हें आसानी से धोखा दे सकता है। ये माकूलियत पसंद होते हैं, समझदार होते हैं, और यकसानियत के कामों से इन्हें उकताहट होने लगती है। और वालदैन की हैसियत से अगर देखा जाए तो ये लोग अपने बजाय बच्चों की फितरत को मद्देनज़र रखते हुए उनकी नशोनुमा करते हैं और अपनी मर्जी ज़बरदस्ती बच्चों पर मुसल्लत नहीं करते। ये चाहते हैं कि इनके बच्चे बेखौफ हों, अपने ख्यालात बच्चों पर ज़बरदस्ती नहीं थोपते, और इनमें इंसानी हमदर्दी के जज्बात होते हैं। ये लोग मौसीकी से लगाव रखते हैं, और इनमें एक अहम बात यह भी है कि तरंग में आकर हर काम शुरू कर देते हैं, और नए नए ख्यालात और नज़रियात रात को इनके जहन में आते हैं जब ये सोने को लेटते हैं, और ये अपने हर काम को मियारी अंदाज में करना चाहते हैं। ये कतई पसंद नहीं करते कि कोई दूसरा फ़र्द इन्हें हुक्म दे, और रज़ाकाराना तौर पर ताबुन के लिए तैयार रहते हैं, और ये कोई ख़तरा मोल नहीं लेते हैं, और हर तजवीज़ और पहलू का बग़ौर जायज़ा लेते हैं। ऐसी तजावीज़ को रद्द कर देते हैं जिसमें कामयाबी का इम्कान ना हो, और ये अपने मंसूबों और नज़रियात पर कायम रहते हैं। राय आमा की बिल्कुल परवाह नहीं करते, हर मामले में अपनी मुनफरिद राय का इजहार करते हैं, और ये अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। आम तौर से ये आइडियल की तलाश में रहते हैं। माली मामलात में इब्तदाई ज़िंदगी में इतने ज़्यादा खुशहाल नहीं होते, लेकिन उम्र के दरमियानी हिस्से में ये किसी हद तक सुकून का सांस लेते हैं और तख़य्युल पसंद होते हैं। इन्हें चाहिए कि अपनी कामयाबियों के लिए दूसरों पर इन्हिसार ना करें, बल्कि अपनी खुद एतमादी पर भरोसा करें। इनमें बसीरत भी होती है। और दिल्लू ख़वातीन वो अपने बच्चों के मलबूसात का ख़ास ख्याल रखती हैं, उनको ऐसे कपड़े पहनाती हैं कि वो दूसरों से मुमताज़ नज़र आए, और ऐसे लोगों को पसंद करती हैं जो शाइस्ता और महज़्ज़िब हों। और ये ख़वातीन अपने बारे में ख़ुद भी नहीं जानती कि इनका अगला कदम क्या होगा, यानी यूं कह लें कि इनकी शख्सियत का एक पहलू ये है कि ये एक सीधी सादी लड़की हैं, मुनाफ़क़त से दूर, जबकि इनकी शख्सियत का दूसरा मनफी पहलू जो है वो मनफी नज़रियात की अक्कासी करता है, यानी ये लड़कियां या ख़वातीन एक फितना भी साबित हो सकती हैं, सब नहीं लेकिन अमूमन, और ये ख़ुद को दूसरी ख़वातीन के मुकाबले में बरतर तसव्वुर करती हैं। इंसान दोस्त होती हैं, हमदर्द होती हैं, ज़हीन बहुत होती हैं। तो दोस्तों, बुर्जे दिल्लू के बारे में मालूमात और दूसरे बुर्जेस के बारे में जो मैं मालूमात दे रही हूँ,
अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।